एंड अगर प्लेयर स्टिल हुआ तो यानी जी गॉड का के यहाँ पर नॉकआउट निकला जा सकता है इजीली। आई थिंक बहुत स्लो रहेगा यहाँ पर टीम की आईबी एक्सएन और ये डिसिप्लिन शायद इनके अगेंस्ट में भी जा सकता है अगर जी गॉड को थोड़ी सी भी वहां पर इन्फॉर्मेशन मिल गई। बाउंटी के आदिल कुछ अपनी बाउंटी अर्न करने के लिए ऑफगार्ड आइलैंड पर जा जरूर से रही है, बट टीएसएम एंटिटी की अगर आप बात करें अंदर काफी अच्छा ये खिलाड़ी है, बट बावजूद उसके नियो ने नियो को नॉक कर दिया और गोल्डन एक्सपी नॉक था वो कहीं ना कहीं। अब रिवाइव अपने आप को हील कर रहे हैं, क्लॉ सामने से आ रहे हैं, अगर हील हो गया तो डेफिनेटली यहां से मौका बन सकता है हेड चेस करने का। और नियो यहां पर क्या जंप शॉट्स भी दे सकते हैं, शैक के अंदर से ग्रेनेड कर रहे हैं, टाइम कम है, खड़े हो रहे हैं, डैमेज बढ़ रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, बट नियो इज टेकिंग दैट रिस्क, नियो इज टेकिंग हिज चांसेस, ग्रेनेड विल बी द वन जो क्रूशियल साबित हो सकता है, बट गोल्डन एक्सपी पर एक बार फिर से क्या बैक टू बैक गोल्डन एक्सपी की नॉक होगी, यस दैट एग्जैक्टली इट हैपेंड, दो बैक टू बैक गोल्डन एचपी के नॉक यहां पर निकल कर आते हुए और गोब्लिन अब आखिरी रास्ते पे बचते हैं जिस तरह से क्लच गॉड हो चुके हैं और हर वो खिलाड़ी गोल्डन एचपी पर ले रहा है अपना काम और नियो आखिरी हंसी हंसते हुए दोनों को रिवाइवल दे देंगे और 1v3 मेरे ख्याल से टीएसएम के नियो ने यहां पर निकाल लिया है। नियो ऑन फायर, पहले तो नियो वर्सेस नियो देखने को मिला लेकिन शायद इनसेन को ये नहीं पता था कि इस तरह से आएगा, लेकिन अभी के लिए खतरा टला नहीं।